हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ मुकेश राजपूत और मैं भी खड़ा हूँ घंटाघर पर, आदर्शी घंटाघर पर। और यहाँ पर हो रही है रामलीला और इसका दृश्य आप देख सकते हो वाला है। और इसको इस तरह से सजा दिया है, बहुत सुंदर, एकदम चारों तरफ से लाइट ही लाइट है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और रामलीला शुरू होने वाली है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, ये घंटाघर है हाथरस का। और आप देख रहे हैं ये रामलीला का आयोजन होने वाला है यहाँ पर, यहाँ एलईडी लगी हुई है और ये काफ़ी बड़ी है और ये घंटाघर पर लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर रामलीला का आयोजन होगा यहाँ पर, और आप ये देखिए घंटाघर में सबसे कैसे से आ गया, काफ़ी सुंदर लग रहा है घंटाघर। तो आप भी पटना के श्री राम मंदिर चले गए। और इस दृश्य को मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूँ, घंटाघर का दृश्य है। ये रोड है, ये चारों तरफ से रोड घंटाघर की तरफ ही जाता है। ये हाथरस का मेन मार्केट है घंटाघर। यहाँ पर देखिए रात में, रात का सीन है, रात में आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से बना हुआ है घंटाघर। और हाथरस का सबसे फेमस प्लेस है ये घंटाघर। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा जानकारी हो हाथरस के बारे में। और जो लोग मेरे भाई हाथरस के हैं, उन सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे आयोजन हमारे हाथरस के अंदर होते रहते हैं। और जो ये आयोजन करा रहे हैं उनको तो बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों, जिससे हमको पूरी संस्कृति के साथ ये जोड़ते हैं। और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जुड़ी रहे, हमारे साथ में जुड़े। और आप ये देखिए, ये पूरा घंटाघर है दोस्तों। और मेरे पीछे ही ये रामलीला का आयोजन होगा, देखिए। और यहाँ पर स्टेज सज गई है और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सुंदर है, ये देखिए। और यहीं पर रामलीला का आयोजन होगा, अभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगा दी हैं यहाँ पर। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम दिखाते हैं आपको, देखिए सामने स्टेज आप देख रहे हैं, ऐसी कितनी अच्छी स्टेज है ये। और यहीं पर रामलीला का आयोजन होगा। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, होने ही वाला है। चारों तरफ से काफ़ी डेकोरेट कर दिया है इधर को, और आप देख रही है कुर्सी लगा दी है। और पूरा घंटाघर का ये चौक है, इसको एकदम सजा दिया है दुल्हन की तरह। आप ये देखिए, ये घंटाघर का, ये हमारा ये हाथ इसका घंटाघर है। और हर साल यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और घंटा करके ऊपर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर ये गणेश जी की मूर्त लगा रखी है। थैंक यू दोस्तों।